बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद समन बिलाल में आप सब बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे व्यूवर्स, क्या ये मुमकिन है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में बिना मेहनत किए, बिना गैस जलाए एक ऐसी ज़बरदस्ती स्वीट डिश बना लें जिसे घर वाले और मेहमान खाकर आपके फ़ैन हो जाएं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। मैं आज बना रही हूँ बिना गैस जलाए, बिना मेहनत किए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब किस्म का ब्रेड रू अफजा चमचम। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ब्रेड के 6 अदद स्लाइस लिए हैं। ये देखिए, ब्रेड के दरमियान वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया था। आप किसी भी कटर या ग्लास की मदद से ब्रेड का दरमियान वाला हिस्सा निकाल लीजिए। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, किसी मिक्सी जार में इसको डालकर पीस लेंगे और ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्रेड का दरमियानी हिस्सा मैंने निकाल लिया था। याद रखिएगा कि जब भी आप रूह अफ़ज़ा ब्रेड चमचम बनाएं तो इसके लिए ब्रेड आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है, ये बासी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, थोड़ी सी मैंने ली है ताज़े दूध की मलाई। अगर ये आपके पास ना हो तो आप खोया भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा लिया है, आप चाहें तो जामशीरी भी ले सकते हैं। ताज़े दूध की क्रीम में हम थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये क्रीम ब्रेड पर लगा देंगे इस तरह से। अगर ये आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप खोया भी लगा सकते हैं, और क्रीम में आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल चीनी का नहीं कर रही क्योंकि हमने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। दूसरा ब्रेड का स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसी तरह हम दूसरे स्लाइस के ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। क्रीम लगाने के बाद इसी तरह हम दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। अब हम रूह अफ़ज़ा ब्रेड के स्लाइसेस पर लगा देंगे इस तरह से। एक साइड पर मैंने रूह अफ़ज़ा लगा लिया है, इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। ये साइड हम रखेंगे नारियल के बुरादे पर। दूसरे हिस्से पर भी इस तरह से हमने रूह अफ़ज़ा लगा लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और डिफरेंट सी स्वीट डिश ब्रेड रूह अफ़ज़ा चमचम हम बना रहे हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा प्यारे व्यूवर्स, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप रूह अफ़ज़ा लगा लीजिए। अब हम अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस पर नारियल का बुरादा लगा देंगे। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेड चमचम चंद ही मिनटों में बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के भी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रेड रूह अफ़ज़ा चमचम तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश के सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन वाला भी अगर ये आप दबा देंगे तो आपके इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो खुद ब खुद आपको मिलती रहेंगी।
और इस तरह आपका और हमारा ये साथ बना रहेगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, सो अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप सबकी ये मोहब्बत हमारे लिए बहुत कीमती है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेवान।